लव लाइफ रीडिंग टाइम्स टाइम नीचे मेन्शन है लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग देखते हैं टॉरस आपका अप्रैल मंथ कैसा रहता है ओके एंड जिन भी टॉरस का बर्थडे अप्रैल में होता है विशिंग यू ऑल टॉरस अ वेरी हैप्पी बर्थडे आई विश एंड आई प्रे आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हों सो लेट्स चेक ओशोडेक्स से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए ओके यू गॉट द कार्ड ऑफ मोमेंट टू मोमेंट तो आपके एंजल्स बोल आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है या प्रेशर में आके कोई भी काम नहीं करना है कोई भी लाइफ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना धीरे धीरे करके आपको अपने लाइफ में गोल सेट करने और उस पर वर्कआउन कर रहा है आपके एंजल्स कहीं ना कहीं ये गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं स्लोली एंड स्टेडली स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है मेंटल पीस आते हुए दिख रही है एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पे ये जो आदमी है ये बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को अपने अपनी जो भी अपनी ड्रीम्स अपने विजन्स को पूरा करते हुए दिख रहा है सो आई एम सीइंग दैट आप अपने काफ़ी ड्रीम गोल्स पूरे करते हुए दिख रहे हो काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो आप अप अपनी लाइफ को अप्रैल मंथ में सो दिस इज अ स्ट्रॉग गाइडेंस कमिंग फॉर यू ओके लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ओके लेट्स सी ओके यू गॉट द प्रोटेक्शन एनर्जी विच इज मून एंड एरीज ओके दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड मून एंड एरीज का मतलब यही हो रहा है कि आपके एंजल्स आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे दिख रहा है आपकी अपनी मदर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है ऑल्सो आई एम सींग दैट आपके अंदर करेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ जो भी चैलेंज आएंगे तकलीफ आएंगे कुछ भी प्रेशर होगा वर्क प्रेशर होगा आप उसे ईजिली हैंडल करते हुए दिख रहे हो मोन इन एरीज रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ऑल्सो आपके अपने सिबलिंग्स के साथ अपने भाई बहन के साथ आपकी मदर्स के साथ आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है सो क्वाइट इंटरेस्टिंग आपके लिए क्या मैसेज आता है टॉरस एंसेस्टर्स जनरल रीडिंग फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ अप्रिल्वेंटी ट्वेंटी फोर लेट्स कट द हम्म करंट ओके लेट्स सी थ्री ऑफ कॉइन्स अमेजिंग डॉटर ऑफ सोच नाइस एंड यू गॉट सेवन ऑफ एनर्जी ओके एंड सितारा बॉटम ऑफ द डेक ओके देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ना आपकी आपके करियर लाइफ में ना आपके करियर में बहुत स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही जितना मुझे दिख रहा है आप टीम वर्क में काफ़ी काम करोगे आप मैम अपने एम्प्लॉयज के साथ बॉसेस के साथ कोलैबोरेशन में काफ़ी काम करोगे ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है आप, आपका set, आपका स्किल सेट आपका नॉलेज बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है आप काफ़ी डेडिकेटेड होके काम करोगे ऑल्सो जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आपका डेडिकेशन फोकस लेवल हार्ड वर्किंग करने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत आते हुए दिख रही है पैसे आते हुए दिख रहे हैं एंड पैसों से आप खर्चे भी ठीक से करोगे और सेविंग्स भी करते हुए दिख रहे हो आई एम सींग दैट आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ कलीग्स के साथ अपने प्रोफेशनल कनेक्शन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो टॉरस यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल कनेक्शन इन द कमिंग अप्रैल मंथ जिससे आपकी करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होते हुए दिख रही है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होते हुए दिख रही है ओवरऑल मुझे दिख रहा है आप आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म की तरफ एटीट्यूड आपका जा रहा है आप काफी हार्ड वर्किंग नेचर के हो वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका काफी अच्छा होते हुए हो, दिख रहा है आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान देंगे सो ओवरऑल वेरी ऑप्टोमिस्टिक एनर्जी कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड एजुकेशन ओके डॉटर ऑफ सोच सोच्स की एनर्जी है कोई आपका पास का फ्रेंड कोई पास आपके कोई रिश्तेदार पुराने रिश्तेदार आपका कोई पास का क्लासमेट आपको याद करते हुए दिख रहा है अप्रैल है वर्कू रेट्रोगेट का टाइम है तो आप काफी के लोग आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं लाइक आई सेड कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप जिस तरीके से अपनी बात को कन्वे करोगे वो काफी बेटर होते हुए दिख रहा है डॉटर ऑफ सोज इज ऑल्सो कार्ड ऑफ एजुकेशन तो मुझे दिख रहा है बहुत लोग कोई नया नई स्किल सेट सीखने वाले हैं या कॉलेज जाने वाले हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल करने वाले हैं जिससे आपकी नॉलेज गेन होते हुए दिख रही है ऑल जो कहीं ना कहीं देखो आपका कोई पुराना दोस्त कोई पुराना आपका कोई दूर का रिलेटिव या क्लासमेट या टीचर आपको डेफिनेटली रीच आउट करते हुए दिख रहा है टॉरस ऑब्वियसली बर्थडे मंथ भी है तो पुराने लोग आपको याद करते हुए दिख रहे हैं ऑल्सो मुझे यही दिख रहा है कि आप काफी एक्टिव होते हुए दिख रहे हो आपके अंदर लेजीनेस जो था uh, वो जाते हुए दिख रहा है आप काफी टाइम से सो गए टाइम से उठोगे और अपनी जो पूरी जो लाइफ स्टाइल है ना अप्रैल मंथ में वो काफी एक्टिवली देख जिये देखो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है ये आदमी भी बहुत स्विफ्ट मोवमेंट कर रहा है ये डॉटर ऑफ सो इट्स अ कार्ड ऑफ एक्शन इज अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस इज अ कार्ड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स तो वही दिख रहा है कि एक्टिव लाइफ स्टाइल आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो अप्रिल मंथ में सो एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं प्रोटेक्शन स्टाफ की एनर्जी है मुझे ये दिख रहा है कि देखो वर्क प्रेशर दिख रहा है काम में बहुत प्रेशर दिख रहा है मे बी थोड़ा बहुत लैक ऑफ फोकस रहेगा बट वट आई एम सींग इज दैट आपकी इनर स्ट्रेंथ आपकी इनर पावर इतनी इंक्रीज होते हुए दिख रही है ना टॉरस की आप उन सब चैलेंजेस को अपनी लाइफ में एकदम चुटकियों में कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं जो भी लाइफ चैलेंजेस आने वाले हैं ना अप्रैल में उससे आप एकदम बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से उसे हैंडल करते हुए दिख रहे हो सो so, कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आफ्टर सेवन ऑफ अप्रैल सो थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा बट जितनी मुझे एनर्जी आ रही है पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उससे ये पूरी तरीके से ये दिख रहा है कि आप जो भी चैलेंजेस आएंगे अप्रैल में उसे आप बिल्कुल डट के सामना कर पाओगे एंड जो भी चैलेंज आए ना लाइफ में

एंड लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ अनवर्ड्स हाई टॉरस एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग अगर आप किसी इंसान को लाइक like करते हो लव करते हो उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लेट्स जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ देखते हैं और कल देखते आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यू गॉट ब्लैसिंग कार्ड नाइस गणपति जी की ब्लैसिंग है आपके ऊपर ओके वन मोर कार्ड परजिवरेंस चैलेंज एंडियोरमेंट रेजोल्यूशन ओके नाइस

let's see current energies of your person is malika of coins intention of your person is shah of swords nice future action of your person is eight of wands your energy six of cups and future of this whole connection is dev rish okay interesting energy bottom of the deck is three of cups and reverse hmm साइन बता देती हूँ पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग वर्गो एरीज लियो सैजिटेरियस एंड केप्रिकॉन एंड जेमनाई बाकी आपका पर्सन जिस भी साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो टॉरस ओके वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि ये आपका जिस आप ये आपके कलीग हो सकते हैं या बॉसेस हो सकते हैं या आप इनके साथ काम करते हुए दिख रहे हो कैन बी वन केस ऑल्सो एनर्जीज़ बहुत पावरफुल हैं इट्स दिस पर्सन रियली लाइक्स यू आर लॉर्ड टॉरस एंड ग्रेट एनर्जी मैं तो बोलूंगी बड़ी ऑप्टमिस्टिक एनर्जी है ओके ठीक है लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग द करेंट एनर्जी इज ऑफ योर पर्सन ब्लेसिंग विथ मालिका ऑफ कॉइन्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी ये पर्सन टॉरस आपकी बहुत वैल्यू करता है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है दे सी यू जो बहुत ही केयरिंग है जो बहुत ही नर्चरिंग है बहुत ही लविंग है दे सी यू एज ए वेरी बैलेंस पर्सन कि आप इमोशनल भी हैं प्रैक्टिकल भी हैं और कहीं ना कहीं ये ऐसा ये आपको ऐसा समझता है टॉरस कि आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हो आप रिश्तों की वैल्यू करते हो और मुझे दिख रहा है टॉरस आप जो भी लाइफ में कर रहे हो उसको ये बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें पत उन्हें एक एक विश्वास है कि टॉरस अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर करेगा एंड कहीं ना कहीं दे रियली लाइक यू एक इमोशनल कनेक्ट डेफिनेटली फील करते हैं आपके साथ टॉरस एंड पता हूँ क्या है? आपको एज अ फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं तो करंट एनर्जी में तो ब्यूटिफुल एनर्जी है एनर्जी नहीं है प्यार व्यार नहीं करते हैं बट एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं आपके साथ टॉरस डेट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आपको बहुत ब्यूटिफुल मानते हैं इन साइड आउट एंड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ओके okay? इंटेंशन की एनर्जी है देखो मल्लिका ऑफ कॉइन्स एंड वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एक्चुअली इंटेंशन में तो ये पर्सन आपको आपके डीप डार्क सीक्रेट्स जानना चाहता है आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है इंटेंशन में देखो दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप दे आर लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल इन देयर लाइफ एंड देयर यू इज दैट कि ना ये कुछ मतलब ये ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जल्दबाजी में कमिटमेंट देना चाहते हैं नो इंटेंशन में लाइक दे वॉन्ट टू नो यू मोर दे वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू ये आपको ना बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं आपका नेचर जानना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो किस तरीके के पर्सन नहीं हो एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं दे वॉन्ट टू दे फील अ कनेक्शन विथ यू। दे फील दैट ये टॉरस जो बहुत ही प्रैक्टिकल है जो बहुत ही सुलझा हुआ पर्सन है जो बहुत ही हील्ड एनर्जी में है तो इंटेंशन में दे वॉन्ट टू कम इन टू अ रिलेशनशिप विथ यू बट इनको कोई जल्दबाजी नहीं है मैं, मैं बहुत क्लियर कट बोल रही हूँ um,

फ्यूचर में बहुत मेरे हिसाब से बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि टॉरस यहाँ घूमेंगे ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे फ्यूचर एक्शन में मुझे ना एक्शन दिख रहा है इनकी तरफ से ये आपको डेट पे ले जाएंगे या आपको पैम्परिंग करेंगे या आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे आप लोग बहुत एक्सप्लोर करोगे अपना रिलेशनशिप सो फ्यूचर एक्शन में अभी जैसे ये बैठे हुए हैं अभी ये अभी वेट कर रहे हैं विथ कमिंग टाइम्स आप लोग बहुत मस्ती करने वाले हो आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो लाइफ में एक मुझे बहुत ही ये बहुत ही एक मजेदार uh, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होते हुए दिख रहा है क्लेम कर दो रीडिंग क्लेम लिखो टॉरस एंड डेफिनेटली कमिटमेंट है ये आएंगे अभी नहीं बट इन द कमिंग फ्यूचर दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू दे आर गिविंग यू एफर्ट्स टॉरस आपके एनर्जी में तो मुझे दिख रहा है यू आर इन लव दिस पर्सन आप बहुत हील्ड एनर्जी में हो टॉरस तो में हो आपको कोई पास्ट का ट्रॉमा या कोई एक्स का इशू ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कहीं कही ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ और आपको लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर है एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इन अ मैरिज तो यू आर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो टॉरस में यही बोलूंगी यू आर ऑन राइट पाथ आप अपने दिल से काम करो दिल से इस पर्सन को के साथ रहो क्योंकि फ्यूचर है फॉलो योर इंट्यूशन जो भी करो अच्छे इंटेंशन से करो इस पर्सन के लिए क्योंकि फ्यूचर है अच्छा है आप बस पॉजिटिव सोचिए पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को भेजिए ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है ओके okay? फ्यूचर ऑफ़ दिस होल कनेक्शन ज का कार्ड पता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है इन द कमिंग टाइम ये बहुत टेम्परेरी फेज के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन अपने करियर में बहुत फोकस हो जाएगा ये ये पर्सन कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए एक डिफरेंस आ जाएगा नंबर वन ये दिख रहा है नंबर टू वे देवरे एनर्जी हर्मिट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है आने वाले फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानोगे एक दूसरे के बहुत डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स जानते हुए दिख रहे हो एक दूसरे से ना आप दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी इमोशनल कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहे एक दूसरे को ना बहुत डीप लेवल पे सोल लेवल पे जानते हुए दिख रहे हो सो so, फ्यूचर में देखो देवरेज इज अज ए हर्मिट एनर्जी हर्मिट अज वेरी सीरियस तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेफिनेटली बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हो दिस लुक्स लाइक अ वेरी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप या आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहोगे एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे की इमोशंस को बहुत समझोगे फ्यूचर बहुत अच्छा है एनर्जी बहुत अच्छी है ये पर्सन बहुत ही पावरफुल पर्सन दिख रहा है एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल एंड यू आर द वन ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में एक्शन होगा क्लेम कर दो रीडिंग एंड और चेक सम लव गाइडेंस फॉर यू देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या आ रही है इस मंथ की ओके लेट्स सी लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन सो ये मैसेज आ रहा है डेफिनेटली इमोशंस हैं और ये आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे ठीक है डॉरस दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरटारो रीडम बाय